हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्मार्टफोन गुरुजी। मैं मोहित और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट स्लो स्पीड के बारे में कि आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब आप ये इशू फेस कर रहे होंगे आपके मोबाइल में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप ट्रबल शूट करके कैसे आप स्लो स्पीड इंटरनेट इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, आप अगर एप्पल फ़ोन या iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आपके आईफोन में अगर सेंटर बटन है तो आप उसे प्रेस कीजिए दो बार तो ये बैकग्राउंड की एप्लीकेशन सामने आ जाएंगी। और अगर आप ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें सेंटर बटन नहीं है, यानी कि आईफोन XR अबव या आईफोन 7 जिसमें सेंटर बटन नहीं आएगी, आईफोन XR अबव जो सेल फोन्स हैं उनके अंदर ये सेंटर बटन नहीं है, तो आप स्वाइप अप जो ऊपर से नीचे तक स्लाइड कर सकते हैं, स्वाइप डाउन कर सकते हैं, तो आपकी ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन सामने आ जाएंगी। अब जब ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन सामने आ जाएंगी तो मैं इन्हें स्वाइप अप कर दूंगा यानी कि क्लोज कर दूंगा। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन चाहिए सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी। जो ये रैम यूटिलाइज कर रही होंगी वो टाइम पे, तो इनका रैम यूटिलाइजेशन जो होगा वो कम हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। उसके बाद मुझे ये करना है कि जो मैं ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें जाऊँगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे एक बॉक्स बन के आ रहा है जिसमें 1 वैल्यू लिखी हुई है। तो आप चेक कीजिएगा कि आपके ब्राउज़र में ये कितनी आ रही है। ये जितनी भी हो सकती है आपको ये सारे के सारे ब्राउज़र जो होंगे, टैब्स होंगे, इन्हें सबको बंद करना होगा। वो बंद करने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। इन जब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको सामने ऑप्शन आएगा जिसका नाम है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं पांचों के पांचों सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पांचों सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं सेव करता हूँ पासवर्ड, और ऑटोफिल डेटा भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद नीचे देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है जिसे लिखा है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और डेटा क्लियर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने डेटा क्लियर कर दिया तो मेरा ब्राउज़र जो होगा उसमें अनवांटेड फाइल्स जो होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। अब मेरा एक लास्ट स्टेप बचा है कि मैं अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करूं, और रिस्टार्ट करने के बाद मेरा जो स्लो स्पीड इंटरनेट इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपके साथ भी होता है, आपका भी इशू सॉल्व होता है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये इशू रिजॉल्व हो गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे हमने iOS डिवाइस यानी कि एप्पल डिवाइस में देखा कि कैसे आप ट्रबल शूट करके स्पीड अप कर सकते हैं आपके इंटरनेट की, वैसे अब हम एंड्रॉयड डिवाइस पे करेंगे। ये वीवो का Z1 Pro मेरा हैंडसेट है जिसमें मैं आप सेम परफॉर्मेंस करूँगा। तो देखिए हर एंड्रॉयड फ़ोन में नीचे 3 ऑप्शन रहती हैं, 3 लाइन इस तरफ रह सकती हैं या राइट साइड में रह सकती हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में भी हो सकती हैं। सो ये जहाँ पे भी हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से कौन सा बटन आप प्रेस करें तो आपकी सारी बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस सामने आ जाएंगी। तो देखिए मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ एक एक एप्लीकेशंस, आप चाहे तो स्वाइप अप कर दीजिए। नीचे देखिए एक्स बन लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप वो क्लिक करेंगे तो सारी बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी। देखिए कुछ रह जाती हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और नीचे देखिए थोड़ी देर पहले लिख के भी आया था 324 MB क्लियर्ड, मतलब उतना रैम जो यूटिलाइज हो रहा था बैकग्राउंड में वो क्लियर हो गया। अब जो ब्राउज़र मैं यूज़ करता हूँ फिर मैं उसमें जाऊँगा। अब इस फ़ोन में मैं ब्राउज़र क्रोम ही यूज़ करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी जो 3 डॉट्स हैं यहाँ ऊपर आ रही हैं, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। अब सेटिंग्स में मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा। अब क्लियर ब्राउजिंग डेटा सबसे पहले आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरे पास आ रहा है 20 ब्राउजिंग हिस्ट्री, 42 साइट्स का कुकीज़ एंड डेटा है, 103 MB की मेरे पास कैचे फाइल है। तो ये सारा डेटा मुझे दिख रहा है, मैंने टाइम रेंज में ऑल टाइम कर दिया है और मैंने ये डेटा क्लियर कर दिया है। ये करने के बाद मैंने बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस बंद कर दी हैं, मैंने ब्राउज़र में से कुकीज़ कैचेस क्लियर कर दिए हैं। अब जस्ट मुझे अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है और उसके बाद इंटरनेट मेरा बहुत अच्छे से चलेगा।
आप इन स्टेप्स को यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए स्मार्टफोन गुरुजी के साथ। धन्यवाद।